हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग जो ऑडियो समरी सुनेंगे उसका नाम है रहस्य, द सीक्रेट। तो दोस्तों, आज हम लोग इस समरी को अच्छे से सुनेंगे और अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हमारे जो इस ऑडियो समरी को आपको पसंद आता है तो शेयर भी कर दिया करिए। चलिए शुरू करते हैं। रहस्य द सीक्रेट बुक, जो कि रोंडा वर्न जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इस किताब में लेखक ने सफल लोगों के रहस्य के बारे में बहुत ही ऐसे बताया है जिस रहस्य को सफल लोग मानते भी हैं। ये किताब जीवन बदलने में और सफलता की बुलंदियों पर पहुँच में बहुत काम आएगी। ये आपको बहुत कुछ सिखाएगी। जीवन की सफलता की रेस में बहुत लोग भागते हैं, लेकिन कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं, अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हमेशा सीखते रहना। इस किताब को अगर आप सुनेंगे तो जानेंगे कि सफल कैसे हो पाते हैं, क्या क्या सीखना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है और क्या क्या खुद में बदलाव करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, इस पुस्तक को आइए हम लोग अच्छे से देखते हैं। दी सीक्रेट बुक क्या बताती है हमें? इस पुस्तक के लेखक बताते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही सिचुएशन हमारे स्थिति साथ बनती है। इसमें लेखक हमें पॉजिटिव रहने, अच्छी सोच रखने और हर स्थिति में सकारात्मक रहना और आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आपके साथ होगा, ये कहना है इस किताब का। ये बात 2004 की है, जब रोंडा वर्न जी के पिता यानी लेखक के पिताजी का देहांत हो गया था तो ये डिप्रेशन में चले गए थे और कई सारी समस्याओं में इन्हें काफ़ी दुख था। उस समय इनके पास किसी दोस्त ने इन्हें इस किताब को पढ़ने के लिए कहा, जिसका नाम था साइंस ऑफ गेटिंग रिच। और इसके बाद उन्होंने काफ़ी किताबें पढ़ी और बहुत रिसर्च के बाद लेखक ने इस पुस्तक को लिखा। अब्राहम लिंकन जैसे महान लोग इस किताब के रहस्यों को मानते हैं और सोचिए कि ये किताब आपकी ज़िंदगी में कितना बदलाव ला सकती है। सीक्रेट किताब का क्या सिखाती है हमें? द सीक्रेट बुक ये बताती है कि हमें हाउ पर फोकस नहीं करना चाहिए, बस हमें सोचना और पूरी पॉजिटिविटी के साथ उसे सच करने में लग जाना चाहिए। जो आपको चाहिए उस पर फोकस करके आगे बढ़ना, क्योंकि जिस चीज़ की प्यास ज़्यादा होती है वही चारों ओर दिखाई देती है। हमेशा अच्छा महसूस करना और कभी अगर फेल भी हो गए तो उससे घबराना नहीं और फिर कोशिश करके आगे बढ़ें और हमेशा थैंकफुल रहना, फिर सब कुछ आपके कंट्रोल में ही रहेगा। इस किताब में आप सफलता के सफर में काफ़ी आगे पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों, यह बुक की समरी आपको थोड़ा शॉर्ट थी, पर कैसी लगी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।